मस्ती की है. सो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आया हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू शाहरुख फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. सर आपका पहले तो सर 10 कदम में आपका स्वागत है. हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इसको कौन बनेगा करोड़पति समझ के हमारे सलमान आपने बोला था हम 10 कदम पे आ रहे हैं. ये दूसरा शो पे आ गया मैं. नहीं सर, सलमान साहब और शाहरुख साहब जोरदार तालियां मेरे लिए क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ. आप तो पहले से मौजूद थे यहाँ पर. जी मैं हूँ ड्यूप्लीकेट अमिताभ बच्चन. एक्चुअली क्या है जो असली अमिताभ बच्चन साहब हैं वो बहुत व्यस्त रहते हैं. बहुत व्यस्तताएं बढ़ रही हैं उनकी. तो जो भी दूसरे काम होते हैं उसके लिए मुझे भेज देते हैं वहां पे. अब जैसे आधार कार्ड की फोटो खिंचवाने के लिए मुझे भेज दिया. उनको पता था भाई खुद भी गए तो फोटो डुप्लीकेट जैसे ही आएगी. बहुत खुशी हुई होगी आप लोगों को मुझे देख करके. जी जी बड़ी खुशी हुई. बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आपका कि आपने मुझे नहीं बुलाया. मैं फिर भी यहाँ पर आ गया क्योंकि मैं डुप्लीकेट हूँ. और देवी और सज्जनो जैसे ये दिल में आते हैं समझ में नहीं उसी तरह से मैं फिनाले में आता हूँ एपिसोड में नहीं. आइए शुरू करते हैं 10 कदम में कौन बनेगा करोड़पति. यही तो प्रॉब्लम है सलमान साहब आपके शो में खड़ा होना पड़ता है. जी जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर शो में बैठ गए तो शो बैठ जाता है. आइए देवी और सज्जनो चूंकि ये गेम का रूल है कि हम बैठ के ही इस गेम को खेलते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्लोर टीम से प्लीज मेरे लिए एक टेबल चेयर कुछ बैठने की व्यवस्था की जाए. ए ए ए खोपड़ी के इधर आइए. ये जो इधर आइए. ये जो आपके चचा हैं यहाँ बैठ के खिलाएंगे क्या ऐसे. ऐसे ऐसे देख के खिलाएंगे क्या हम. ऐसे ऐसे करके खिलाएंगे. थोड़ा बड़ा लेके आइए. बाथरूम का ले आए हो. क्षमा चाहते हैं क्योंकि बैठने का यहाँ कोई है नहीं रूल तो इसलिए उससे कुछ गलती नहीं का था. तो थोड़ी बड़ी चेयर ले आइए प्लीज. जी वो नहाने का था. जी 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 ये जो तुम्हारे ताऊजी हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाके खेलेंगे क्या. ऊपर जाके यहां से ऐसे ऑप्शन देंगे क्या. किसी सीनियर आदमी को बुलाइए. चलिए सलमान साहब आप इन्हें कहिए कि 3 चेयर को जो है डंकी सबके लिए मंगवा दें. एक जरा डंकी कुर्सी ले ले आओ. ले आओ लेकिन इसको ले भी जाओ मामा जी. जोरदार तालियां. तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल KBC. Oh,
तो सबसे पहले मैं गेम के रूल्स आपको समझ जी सॉरी आपकी घड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे वॉल क्लॉक पहन के आ गया सॉरी एकदम वॉल क्लॉक पहन के आ गया बट ओरिजिनल वॉल क्लॉक है एकदम धन्यवाद अच्छी लग रही है समय अच्छा होना चाहिए शाहरुख साहब घड़ी तो घड़ी दो घड़ी तो चलते तो सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं आएगा क्योंकि वो कंप्यूटर में है ही नहीं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट कहां है क्या है अपना मोबाइल थोड़ा चार्जिंग पे लगाना है क्योंकि जो जीतने की रकम है अकाउंट में ट्रांसफर तभी होगी जब इसके ऊपर ओटीपी आएगा तो है यहाँ पे कहीं तो छेड़ा छेड़ा एक सेकेंड आप लोग तैयार जी जी बिल्कुल तैयार कितनी धनराशि जीतने की संभावना है आप लोगों को यहाँ से आज आपसे तो सब लूट के ले जाएंगे कोशिश तो जरूर करेंगे से कम 7 करोड़ आप चाहें तो आज अरबपति भी बन सकते हैं ऑलरेडी आप हैं अरबपति मतलब एक बार फिर से अरबपति बन सकते हैं तो पहला सवाल ये रहा कंप्यूटर सिर्फ मेरी स्क्रीन पर बैटरी 4000 mAh RAM 3GB, made in China, 3-year warranty, ISI 000180. Oh, I'm sorry, ये मैं कंप्यूटर की बैक साइड पड़ गया बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूं मैं आप लोगों से मुझको राणा जी माफ करना गलती मारी क्योंकि छत पे सोया था बहनोई मैं तन्ने समझ के सो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारी सी गुपचुप गुपचुप लो में निकल गया तो सबसे पहला सवाल हैरान मत होइए सबसे पहले तीसरा सवाल ये रहा हैरान मत होइए ये कंप्यूटर का पासवर्ड है सबसे पहले तीसरा सवाल अब ओपन होगा बोले नहीं रहा लगता है ये फेस रिकग्निशन वाला कंप्यूटर है आपका लगता है मालिक के फेस से खुलेगा यस एक सेकेंड खुल गया कंप्यूटर खुल गया गेम अब शुरू कर सकेंगे हम सलमान साहब और शाहरुख खान साहब के साथ तो ये सवाल है सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है ये सलमान साहब के ऊपर सवाल है लेकिन जवाब शाहरुख साहब देंगे इसका तो ये रहा सवाल मेरे मुंह पर सलमान खान हर फिल्म में शर्ट क्यों उतारते हैं कन्याएं कितनी खुश हो रही है देखिए शर्ट उतारने की बात पर ही इतना प्रसन्न हो रही है सब लड़कियां अब उतारते होंगे तो बड़ा मजा आता होगा आपके ऑप्शंस हैं ए शर्ट उतारते हैं ताकि फिल्म ना उतरे बी शर्ट मैली ना हो जाए इसलिए उतारना पड़ता है सी टाइगर कभी शर्ट नहीं पहनता या डी सलमान खान शर्ट नहीं उतारेंगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उतारेंगे क्या बहुत दुविधा में शाहरुख साहब सर मैं
माफी चाहूंगा, मुझे लगता है कि आपके ऑप्शंस में शायद इसका आंसर नहीं। ये सवाल थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बहुत सालों से लोग पूछे जा रहे हैं कि सलमान भाई शर्ट क्यों उतारते हैं, बहुत सालों से उतारे भी जा रहे हैं ना? उतारे भी जा रहे हैं, लेकिन शायद अपने हाल में नहीं देखा कि पैंट भी उतार चुके हैं फिल्म। सर बात लंगोट तक पहुंच चुकी है अब। मेरा मतलब है कि मेरे लंगोटिया यार हैं जी, तो ये जो उतारना चाहें उतार सकते हैं। मेरी क्या हिम्मत कि मैं इनको बोलूं क्या उतारो और क्या पहनो। सुल्तान फिल्म में लंगोट में बड़ा खूबसूरत दिखाई दिया जी, कहना पड़ेगा। शुक्रिया। चलिए अब आप जीत चुके हैं इस सवाल का जवाब, क्योंकि ये तुच्छा सवाल था, इसके जवाब उससे भी तुच्छे थे, लेकिन आपने सही जवाब दिया है। आपको मिलते हैं ये 18 रुपए। आप चाहे तो गिन सकते हैं 18 रुपए, और ये इनाम की रकम नहीं है, ये GST है, इसे आप टाइम से जमा करवा दीजिएगा। चलिए शरद साहब, थैंक यू वेरी मच। तो GST अर्न कर लिया है शाहरुख साहब ने। चलिए अब दूसरा सवाल। ये सवाल दोनों के लिए, लेकिन शाहरुख साहब उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा। शाहरुख खान साहब के लिए सवाल, मान लीजिए सलमान जी की शादी है, उसमें शाहरुख खान क्या कर रहे होंगे। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसके पात्र वास्तविक है लेकिन कल्पना से भरा हुआ है ये सवाल। सलमान साहब की शादी चल रही है और शाहरुख खान उसके अंदर क्या कर रहे होंगे। आपके ऑप्शन है, फूड स्टॉल के पास खड़े होकर कह रहे होंगे शाहरुख साहब के बड़ी बड़ी शादियों में छोटे छोटे रसगुल्ले, सलमान साहब की शादी चल रही है, और बी ऑप्शन है कि बारातियों के साथ मार्केट डांस कर रहे होंगे भोजपुरी गाने पर। परमित्र की शादी है तो ऐसा चलता है, और सी रोती लड़कियों को चुप करा रहे होंगे और कह रहे होंगे चुप। यदि शगुन के लिफाफे चेक कर रहे होंगे कि मैंने इतना दिया, तो आमिर अक्षय ने कितना दिया। सर आपका जो ऑप्शन है थर्ड वाला, कि बहुत सारी लड़कियां होंगी जो बहुत परेशान होंगी, उनके दिल टूटेंगे, दिल टूटेंगे, नकार दी गई होंगी, तो मैंने सलमान से दोस्ती कर ही उस दिन के लिए कि जो जो इसकी बच जाएंगी मैं उनका ध्यान रख लूंगा। सर असली असली दोस्त कब काम आए। बहुत ही खूबसूरत जवाब। बहुत जल्दी आपने बहुत ही उत्तम जवाब दिया है शाहरुख साहब, और इसके लिए मिलता है आपको, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, 1 अरब। ये अरब हैं, हमारे मित्र हैं, और आपके लिए खजूर लाए हैं सर। कहिए थैंक यू, भूमिका कीजिए। शुक्रिया, बहुत ही सही जवाब आपको। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आप खजूर लेके आए, आप हमारे अरब मित्र हैं, अरब कंट्री से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। वो असली वालों के यहाँ तो बहुत होते हैं, हमें नहीं मिलते हैं तो थोड़ा शौक। चलिए अब बढ़ते हैं बहुत ही उम्दा प्रश्न की तरफ। ये हमारे पास पत्ते हैं, मैं कुछ पत्ते बांटूंगा और आपको क्या है, अब ये देखिए पत्ते बांटूंगा मैं। तीनों के पत्ते पीस रहा हूँ, पत्ते पीसने में बहुत Ha 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 ha
बहुत ही आनंद पत्ते पीसने में। पत्ते फेंकने में एक अपना ही एक अनुभव था। ये शाहरुख साहब का पत्ता। बादशाह। सलमान साहब का पत्ता इक्का। और ये मेरा पत्ता जोकर। ये किस तरह के पत्ते हैं भाई? इक्का, बादशाह, जोकर, क्वीन तो है ही नहीं, रानी तो है ही नहीं इसमें। रानी कहाँ है भाई? रानी कहाँ है? रानी जी का स्वागत किया जाए। मिल ही गया। रानी जी का बहुत बहुत स्वागत। अमित जी एक डांस हो जाता है। जी जी जी। क्या बताऊं यारो, मैं तो खिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया। धन्यवाद 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 बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे पास तीन ही चेयर का जुगाड़ था, तो आप इधर आ जाइए। जोरदार तालियां रानी जी के लिए। आइए शरद साहब। रानी जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। मैं डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, आपका बहुत बहुत स्वागत। विराज मान लो। तो चलिए। रानी जी ने अमित जी के साथ ब्लैक में काम किया था, फिर अमित जी ने पिंक में काम किया था। अब कौन से कलर में अगली फिल्म आ रही है आपकी? रानी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। आप रानी मुखर्जी हैं, और अगर आप किसी बात से मुकर जाएं तो आप रानी मुखर्जी हो जाएंगे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उम्दा। रानी जी, आप आए हैं तो बहुत पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, तो हींग खा लीजिए। नहीं, नहीं यार, आप जब तक बोलना बंद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा कुछ। आप सिर्फ एक्सप्रेशन से काम चलाएं। कृपया मुझे इजाजत दे, मैं थोड़ा बोल सकता हूँ। ठीक है बोल दीजिए। नहीं तो कार्यक्रम आगे भी बढ़ पाएगा, अभी तो 10 का दम सारा बाकी है। तो रानी जी, अगला सवाल आपसे। जी। शाहरुख साहब और सलमान साहब 1 अरब जीत चुके हैं, जो इन्हें कभी नहीं मिलेगा। अगला सवाल आपसे। सल्की जो सर से वो धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे क्यों सरक रही है? वो पास पास भी सरक सकती थी, लेकिन वो धीरे धीरे। वो धीरे धीरे मध्यम मध्यम सर। क्यों? क्योंकि ये 10 कदम नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं। मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा। ए, 4G की स्पीड नहीं थी इसलिए वो धीरे धीरे सक रही है। बी, क्योंकि चुनरी का फेवरेट गाना था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। सी,
वो चुनरी नहीं सरकारी फाइल है, इसलिए वो धीरे धीरे सड़क रही है। रंग भी चलता रहना चाहिए, देखिए मीनिंगफुल बातें भी चलती रहनी चाहिए। और डी, क्योंकि चुनरी एजुकेटेड है, उसको पता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप सच में जवाब चाहते हैं इसका? चाहते तो हैं। अरे मिल जाए छोटा सा कोई मोटा सा। नहीं, ये भाई आज सवाल का मैं जवाब इसका ऑफलाइन किससे भी जवाब दे सकती हैं। अरे आप चाहें तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार के हकदार हुए डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलती है ये सीडी। स्मार्ट तो आप हैं ही तो स्मार्ट सिटी। अगला सवाल आप तीनों से जो भी जवाब देना चाहे जल्दी से दे दें। हर तीन सवाल बाद ये बजाते हैं। Oh my God. अगला सवाल करण अर्जुन के बारे में है। बहुत ही प्रख्यात फिल्म है, बहुत लोगों ने देखी है, बहुत पसंद किया है आपको करण अर्जुन के पात्रों में, अभी भी याद करते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे करण अर्जुन आएंगे फिल्म में, राखी जी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे? मेरे करण अर्जुन आएंगे बार बार कहती रहती। क्यों था उन्हें ये इतना अत्यधिक कॉन्फिडेंस? आपके ऑप्शंस हैं, ए, जाते टाइम उन्होंने रिटर्न टिकट करा के दिया था। इसलिए उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मेरे बच्चे आएंगे। बी, फिल्म का नाम करण अर्जुन था, इसलिए करण अर्जुन ही वापस आएंगे, बबलू और गुड्डू तो आएंगे नहीं। सी, वो कौन सा लोन लेकर गए थे जो वापस दे आएंगे? या फिर डी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, आला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सलमान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन के बाद इतने हंसे हैं, बहुत दिन के बाद इतनी खूबसूरती देखी है मैंने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको हिचकी इसीलिए आई थी क्योंकि मैं याद करता रहता हूँ आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत। और ये जो कचर पट्टी है प्लीज आप ले आए वहाँ पे थोड़ी सी, और जो सबसे उम्दा चीज है वो मैं लेके जा रहा हूँ। थैंक यू सलमान साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो रानी जी आपका स्वागत है 10 का दम में।
कमाल है यार।